गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, कक्षा प्रथम की विषय हिंदी पार्ट एक का। हमारा जो प्रकरण होगा आज का वो होगा अ की मात्रा और अमात्रिक शब्द। अब बच्चों, आपने देखा होगा मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में, लेकिन अ की मात्रा कौन सी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। आपको ये पता है ना कि जो जितने भी व्यंजन होते हैं, यानी क से क, ख, ये सारे जो व्यंजन होते हैं घ से ज्ञानी तक, इन सब में क्या छुपा हुआ होता है, एक स्वर छुपा हुआ होता है अ। कौन सा स्वर छुपा हुआ होता है? अ। और वो ही क्या होती है? अ की मात्रा। तो आज हम अ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज हम अ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, दो अक्षर वाले शब्द। कौन से शब्द पढ़ेंगे? दो अक्षर वाले शब्द। दो अक्षर के शब्द। अब देखो बच्चों, जो भी हम अक्षर लिखेंगे उसमें क्या छुपा हुआ रहेगा हमारा? अ। क्या छुपा हुआ रहता है? अ। वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो व्यंजन के अंदर छुपा हुआ रहता है, और उसे ही क्या कहते हैं? अ की मात्रा। और इसे अमात्रिक शब्द भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अमात्रिक शब्द भी कहते हैं। चलो तो आगे चलते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? दो अक्षर के शब्द। आपको अपनी नोटबुक निकालनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद में सबसे पहले आपको आज की डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद में आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है, दो अक्षर के शब्द। कौन सी हेडिंग लिखनी है बच्चों? दो अक्षर के शब्द। हेडिंग लिखने के बाद में बच्चों, आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपकी जो नोटबुक है उसमें आप एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लेंगे, ओके। अब देखिए, दो अक्षर के शब्द में हमें कौन कौन से शब्द होते हैं, तो देखो एक बार, मैं यहाँ पे पिक्चर बना रही हूँ, आप आइडेंटिफाई करिए कि किसकी पिक्चर है, ओके बच्चों। तो ये बताइए बच्चों, मैंने किसकी पिक्चर बनाई है? किसकी बनाई है? कप, कप। तो पहला अक्षर हमारा क्या था? क। क्या था हमारा पहला अक्षर? क। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क। अब देखो, मैं साउंड बोल रही हूँ क, अ। तो आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे कि मैं जब बोल रही हूँ क, तो इसमें पीछे अ का साउंड आ रहा है ना बच्चों? आप खुद बोल के देखिए, क क, पीछे अ का साउंड आया, तो यही हमारी अ की मात्रा है, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क। अब नेक्स्ट में क्या लिखूंगी? प। नेक्स्ट में क्या लिखूंगी? प। तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा? क प कप, क प कप। सेम ऐसा का ऐसा आपको यहाँ लिखना है, क प कप, क प कप। तो ये क्या बन गया हमारा? क प कप। आपको अपनी नोटबुक के अंदर सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, दो अक्षर के शब्द, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? दो अक्षर के शब्द। उसके बाद में आपको नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है अपना। ये आपका क्लास वर्क है। ये आपका कौन सा वर्क है? क्लास वर्क है, जिसमें आपको बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर उसके बाद में आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने पिक्चर जिसकी बनाई थी, किसकी बनाई मैंने पिक्चर? कप की। किसकी बनाई है? कप। तो यहाँ पे मैंने लिखा कप कप। अब देखो, मैं कोई सा भी व्यंजन बोल रही हूँ, कोई सा भी अक्षर बोल रही हूँ, उसके पीछे कौन सा साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है? अ का साउंड। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है बताइए? नेक्स्ट पिक्चर है घ। ये क्या है? घ र। ये क्या है? घर, 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 घर। किसकी पिक्चर है ये? घर, घर। इधर भी सेम हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, घर, 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 घर। ध्यान से देखना बच्चों, आपको एक एक अक्षर बोलना है और फिर
फिर एक साथ बोलना है। पहले बोलिए घ, फिर र, घर, घर। इधर देखो, फिर आपको इधर लिखना है घर, घर। समझ में आ गया? नेक्स्ट चले, आगे चलिए। देखिए आप बताइए ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर बताइए किसकी पिक्चर है? जग, जग। किसकी पिक्चर है ये? जग की। तो जग में हम सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखेंगे? पहला हम अक्षर लिखेंगे ज। कौन सा अक्षर लिखेंगे? ज। नेक्स्ट अक्षर हमारा क्या होगा? ग। तो ये क्या बन गया? जग, 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 जग। सेम टू सेम हम इधर लिखेंगे जग, जग। ये क्या बन गया हमारा? जग, जग। तो यहाँ पे हमने तीन शब्द लिखे। पहला शब्द लिखा हमने कप, कप। सेकंड लिखा हमने घर, घर। थर्ड हमने लिखा जग, जग। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लिखेंगे। अब बताइए कि मैं किसकी पिक्चर बना रही हूँ? देखिए किसकी पिक्चर है ये? ये पिक्चर है ट, टब, तब। किसकी पिक्चर है ये? तब की। तो पहला अक्षर मैंने क्या लिखा? कौन सा अक्षर है ये? त। कौन सा अक्षर है? त। सेकंड कौन सा है? ब। कौन सा है? ब। तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया? तब, तब। इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे का ऐसे लिख देंगे तब, 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 तब। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए देखिए। नेक्स्ट बताइए किसकी पिक्चर है? किसकी पिक्चर है ये? तो नेक्स्ट की पिक्चर है फ, ल। किसकी पिक्चर है ये? फ, ल, फल। पहला अक्षर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? फ। पहला अक्षर क्या लिखा है बच्चों? फ। नेक्स्ट क्या लिखा है? ल। तो दोनों मिलके क्या बन गया? फल, 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 फल। सेम ऐसा का ऐसा ही हमें यहाँ पर लिखना है, फल, 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 फल। तो आज हमने पढ़े दो अक्षर के शब्द। कौन से अक्षर के पढ़े पढ़े हमने? सॉरी, दो अक्षर के शब्द कौन कौन से? कप, कप, घर, घर, जग, जग, तब, तब, फल, फल। अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है? आपको करना है होमवर्क। तो होमवर्क में बच्चों आपको कैसे करना है? आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, यानी आपको सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। फिर इस साइड में आप नोटबुक के दूसरी तरफ गृह कार्य लिखेंगे। नोटबुक के दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे? गृह कार्य। और यहाँ पे आप सेम हेडिंग लिखेंगे, दो अक्षर के शब्द। क्या लिखेंगे? दो अक्षर के शब्द। और आपका आपको 10 words, आपको दो अक्षर से जो आपकी बुक है हिंदी की, उसमें पाठ प्रथम जो है उसमें से आप देखकर आपको 10 words दो अक्षर के शब्द लिखने हैं। ओके, थैंक यू।